बड़ी लीड, हाँ डेफिनेटली बड़ी लीड रोल है, बट इसमें रोल जो मैं प्ले कर रही हूँ वो भी डिफरेंट है, जो कि अब तक मैंने किया नहीं है. जैसे बॉर्डर मेरी पहली फिल्म थी, उसमें आई प्लेड ऑपोजिट सुनील शेट्टी, और उसमें आई प्लेड रोल ऑफ प्रिंसेस. और इस फिल्म में आई एम प्लेइंग अ कॉलेज गोइंग गर्ल, जो कि नेक्स्ट डोर काइंड ऑफ अ गर्ल है, सिंपल लुक है, इनोसेंट सी है, और उसके लाइफ में शी फॉल्स इन लव विथ दिस बॉय, और कह नहीं पाती उसे कि वो उसे कितना चाहती है. सो दैट इज द रोल आई एम प्लेइंग बेसिकली. तो आपका कैरेक्टर जो है वो किस किस्म की लड़की है? आज की लड़की है, सिंपल लड़की है, और यू कुड से शी इज कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीथिंग बट कन्फेसिंग हर लव फॉर दिस पर्सन दैट शी इज इन लव विद. तो आप किस हद तक अपने कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई करती हैं? मैं काफ़ी हद तक इस कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करती हूँ, क्योंकि इन रियल लाइफ इन व्हाट आई एम नॉर्मली, बाकी सब चीज़ में आई कैन टॉक, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली एक्सप्रेसिंग माय इनर फीलिंग्स मैं कह नहीं पाती. जानने के लिए फिल्म, बट दोनों की तरफ से इट वॉज लाइक क्वाइट डिफिकल्ट टू कन्फेस आई लव, दैट्स व्हाट आई कैन से. काफ़ी अच्छी रही है, और हम एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि हम दोनों के डैडीज फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो इट वॉज वेरी ईजी वर्किंग विद हिम. और कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं एक न्यू कमर के साथ काम कर रही हूँ या उसका डेब्यू फिल्म है, कभी ऐसा नहीं लगा. इनफैक्ट एवरी सीन दैट आई हैव इनएक्टेड विद हिम, हम लोग इतने कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ कि इट वाज अ वेरी नेचुरल परफॉर्मेंस दैट हैज कम इन स्क्रीन. आपके इस फिल्म में एक साइड पर सनी देओल जैसे वेटरन भी हैं, तो आपने वैसे सुनील शेट्टी, सनी देओल, वेरी एक्शन हीरोज के साथ फिल्म्स में देखी गई हैं, तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहा है? काफ़ी अच्छा रहा है. नो, आई हैव नॉट हैड सीन्स विद सनी, दैट अमित हैज हैड, बट ही इज अ वेरी इंकरेजिंग पर्सन, ही कम्स अक्रॉस एज अ वेरी इंकरेजिंग पर्सन. कभी फील नहीं कराते कि आप एक न्यू कमर हो या इस हिसाब से, कभी ऐसा नहीं हुआ. तो ये फिल्म आपके दिल के कितने करीब है? काफ़ी करीब है, क्योंकि ये अमित का ये भी फिल्म है, और बींग फैमिली फ्रेंड्स इट्स माई फिल्म टू. So, I have contributed a lot and I feel a lot for this film. And plus, it's quite close to what I am in real life. So, I feel a lot for this film. So, jab aap ye character nibha rahe the, to zyada acting karni padi ki you were natural? I'm basically a very natural artist. So, it was very natural that the role that I did. Film ke shooting ke dauran, koi bhi aisi highlight, koi very, very exciting point jo aapke liye is quintessentially the film? एक सीन मैं कर रही थी अमित के साथ, जो कि एक जेल सीक्वेंस है, एंड वो सीन मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही वी डिडंट वर्क वेरी हार्ड ऑन दैट सीन, बिकॉज वॉट एवर वॉज इनएक्टेड वॉज फ्रॉम द हार्ट. अमित भी और मैं भी, इट वॉज अ वेरी हाईली इमोशनल पैक्ड सीन फॉर अस, एंड फॉर मी द रिवॉर्ड वॉज दैट माई डायरेक्टर एंड माई प्रोड्यूसर अर्जुन अंकल, दे वर लाइक totally taken and shaken by that scene that was performed. And after the scene was over and after the shot was okayed, that heaviness and that feeling still remained for quite some time, because both of us were very involved during that scene. वैसे तो अभी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अपने डायरेक्टर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहा? How did you like working with him? उनके साथ आपकी कैसी? My director and myself, that's Anil and me, were more comfortable because we had met before the shoot. We used to work on our scenes like more like a homework. So first few days we were like, "Chalo, we will do this scene, this scene, this scene." But after some time, he said, "You don't need to, you know, work on it because he feels I'm a one take artist." And I know he's sitting right here, but my rapport with him was very, very good, and he's one of the coolest directors that I feel I've seen, because he was never hassled about anything. Never worked out about anything. कि अगर ये अगर supposing एक चीज अगर set पे उस वक्त नहीं आया हो तो इज इट कूल, इट्स नथिंग टू वरी, जो होना है होगा. बट ही इज टू गो अहेड, वेरी पॉजिटिव थिंकिंग पर्सन. एंड दो दिस इज अ डेब्यू फिल्म, बट हिज पास्ट वर्क स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर हिम, एंड ही इज एड्रेस्ड अ सीनियर. सो
I think he's done a very good job, and you won't feel that, you know, ki in any which ways he's lacked in anything as a director. I think he was a wonderful person to work with, and I would like to work with him again. So that's something. Definitely, ये फिल्म अलग है क्योंकि मेरी पहली फिल्म जो थी वो एक वॉर फिल्म थी ऑन वॉर हीरोज एंड द एंटायर कैनवस वॉज वेरी डिफरेंट लाइक मिस्टर जे पी दत्ता इज आइडेंटिफाइड विथ अर्जुन अंकल्स फिल्म लाइक आई लविंगली कॉल हिम अर्जुन अंकल इज अ लव स्टोरी इट्स अ वेरी टुडेज फिल्म विथ टुडेज यूथ एंड कैन आइडेंटिफाई विद दिस काइंड ऑफ अ फिल्म और मेरा किरदार जो है इज लाइक अ वेरी टुडेज गर्ल जो कि हु फॉल्स इन लव हुज इमोशंस आर वेरी रॉ हु who's chulbuli si ladki at the same time she like just cannot confess that she's in love with this boy and kaafi situations hoti hai film mein jo ki they come face to face aur bolna cha rahi hai aur wo bhi kehna cha raha hai but sara kaise hota hai ki that like aise hi plain ho rahi hai ya whatever happens at that moment you cannot confess your love for each other jisse bhi thak thak ho rahi hai like you know how it's happening डेफिनेटली क्योंकि हर एक लड़की की जिंदगी में ऐसा एक इंसिडेंट होता ही है जबकि वो शी फॉल्स इन लव कोई कोई लड़की मेरी वेरी कॉन्फिडेंट ढंग से ओके आई कैन कन्फेस माई लव बट काफ़ी हद तक लड़कियाँ कह नहीं पाती दे एक्सपेक्ट द बॉय टू मेक द फर्स्ट मूव ऑलवेज सो कैसे कहूँ कि प्यार है इज दैट काइंड ऑफ अ फिल्म विच यू कैन आइडेंटिफाई विथ